हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो हिप्पी और हम आ गए हैं जोरदार वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से रिएक्शन करता है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये एक पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, एक गिलास है खाली, और देखिए इसमें कुछ पिसी हुई चीनी ली है और एक पानी लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देता हूँ। देखिए इसमें मैंने भर दिया है पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा पानी मिला देता हूँ, स्टर करता हूँ जिससे घुल जाए। देखिए कितना मस्त पिंक पिंक कलर का हो गया। देखिए इसमें मैं ये पिसी हुई चीनी डालता हूँ थोड़ी। अभी थोड़ा वेट करते हैं इसका। देखिए दोस्तों, देखिए ये क्या हो गया, कितना ख़तरनाक धुआं निकला है। और देखिए धुआं निकल रहा है और ये किस तरह से बन गया। और देखिए ये गिलास गर्म हो गया है, देख पा रहे होंगे आप। इसमें देखिए क्या हो गया चीनी का, देखिए देख रहे हैं धुआं निकल रहा है और ये गर्म भी हो गया है। देखिए देखिए क्या हो गया, मैंने सिर्फ इसमें चीनी मिलाई थी और पोटेशियम परमैंगनेट था और ग्लास पे देख रहे हैं भाप बन गई है। तो हुई ना देखो जोरदार रिएक्शन। रुके रहिए, अभी एक और कराते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये चीनी का पानी लिया है, इसमें 4-5 चम्मच चीनी डाली हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये KMnO4 को मिला के देखता हूँ। हाँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। अभी अब देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों कितना धुआं निकल रहा है भाई साहब, देखिए क्या हो गया, धुआं निकला। देखिए चीनी का देखिए दोस्तों, इसमें देखा आपने धुआं निकल रहा था और अब मैं इसको निकाल के देखता हूँ पेपर पे, और देखिए कितना गर्म हो गया है ग्लास। पेपर पे ये निकाला, किस तरह का देखिए धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। और ये ग्लास भी मेरे से ज़्यादा देर पकड़ा नहीं जा रहा, धुआं निकल रहा है। और देखिए क्या हो गया इसका, कैसा निकला है, स्लरी टाइप का बन गया है ये, और ये ग्लास पूरा गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है। देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं कैसे धुआं निकल रहा है अंदर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।